हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मूवी बॉय केफो कर्तव्य एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक अरसे के बाद बॉलीवुड में एक ऐसे फिल्म आई है जिसका क्रेज या यूं कहें एक्साइटमेंट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये कोई शाहरुख, सलमान या आमिर खान की फिल्म नहीं बल्कि शाहिद कपूर की फिल्म है जिसका नाम है कबीर सिंह। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, इस फिल्म को लेकर हर जगह डिबेट चल रहे हैं। कई ग्रुप इस फिल्म पर मिसोजनी और टॉक्सिक मास्कुलिनिटी अर्थात नारी द्वेष और विषाक्त मर्दानगी को ग्लैमराइज करने का आरोप लगा रहे हैं, तो यूथ इसे कल्ट क्लासिक मानकर इसे बॉक्स ऑफिस पर बेधड़क सफलता दिला रही है। और दोस्तों, फिल्म कबीर सिंह इस वक्त फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के एक विवादित बयान की वजह से फिर से चर्चा में आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक आदमी अपनी प्रेमिका को जब चाहे तब थप्पड़ नहीं मार सकता, उसे छू नहीं सकता और किस नहीं कर सकता, तो उन्हें ये फीलिंग सच्ची नहीं लगती है। और जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने सच्चे प्यार को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा की जर्नी एक पर्सन और फिल्म मेकर के तौर पर कैसी रही है। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे ही अननोन खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा सर का जन्म 25 दिसंबर 1981 को वारंगल तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर रेड्डी और माता का नाम सुजाता है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम प्रणय रेड्डी वांगा है, और उन्होंने कबीर सिंह की ओरिजिनल फिल्म अर्जुन रेड्डी को प्रोड्यूस भी किया था। संदीप सर की वाइफ का नाम मनीषा रेड्डी है और उनका एक बेटा भी है। संदीप रेड्डी ने अपनी स्कूली शिक्षा प्लेटिनम जुबली हाई स्कूल वारंगल से 8वीं तक की और 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हैदराबाद से की। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री धारवाड़ कर्नाटक के SDM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से प्राप्त की। इस दौरान उन्हें एहसास हो चुका था कि आगे चल के उन्हें फिल्म मेकर बनना है, इसीलिए फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने के लिए वे इंटरनेशनल फिल्म स्कूल ऑफ सिडनी चले गए। अगर संदीप सर के फिल्मी जर्नी के बारे में बात करें तो 2005 में उन्होंने मनसु माता विनाधु नाम के तेलुगु फिल्म में 25 दिनों के लिए एक अप्रेंटिस के रूप में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ टॉलीवुड फिल्मों जैसे नागार्जुना की केडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में और सर्वानंद नित्यामेनन स्टारर मल्ली मल्ली इदिरानी रोजू में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया। उस फिल्म का नाम सुगर फैक्ट्री थी, मगर वह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिर उन्होंने अर्जुन रेड्डी के लिए काम करना स्टार्ट किया। इस फिल्म को लिखने में करीब 2 साल का वक्त लगा। पहले वह यह फिल्म सर्वानंद के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय सर्वानंद कई फिल्मों में एक साथ बिजी थे, इसलिए यह संभव नहीं हो पाया। उनके एक दोस्त ने विजय देवरकोंडा से उनको इंट्रोड्यूस कराया था। विजय की उस समय पेली चोपुल्लू नाम की फिल्म रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, एंड ही वॉज रेडी टू टेक अ रिस्क। फिल्म अर्जुन रेड्डी 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म 4.5 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। दोस्तों, सुनने और सोचने में यह जर्नी बहुत इजी लगती है, लेकिन इस सफलता में संदीप रेड्डी के साथ उनके परिवार ने भी बहुत संघर्ष किया है। सिडनी से फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आने के बाद उन्हें 6 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था। इस दरमियान वे अपने लाइफ के कई सारे डार्क फेसेस और हेल्थ इश्यूज से गुजर चुके थे। उनकी लिखी अर्जुन रेड्डी पर कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म का हीरो उनके इमेजिनेशन के बाहर था, और जो एग्री होते थे वो फिल्म में चेंजेस करवाना चाहते थे, जो संदीप रेड्डी को कतई मंजूर नहीं था। संदीप सर की स्थिति को देखते हुए अंत में उनके पिता और भाई ने फिल्म को प्रोड्यूस करने की ठान ली। यहाँ तक कि उनके पिता ने तो इस फिल्म को बनाने के लिए
अपनी ज़मीन तक बेच दी थी। तो दोस्तों, ये थी संदीप रेड्डी वांगा की अमेजिंग जर्नी। आज कबीर सिंह ने उन्हें सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा दिया है और इसमें उनकी ज़िद, जुनून और एटीट्यूड ने उनका भरपूर साथ दिया है। और हमारे जो फ्रेंड्स फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, वे उनकी इस जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दोस्तों, सिनेमा के प्रति संदीप रेड्डी वांगा की दीवानगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही अर्जुन रेड्डी रख लिया है। दोस्तों, आपको संदीप सर की ये अमेजिंग जर्नी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।